हम सिंधी महाकुंभ जयपुर पहुंचे हैं, वहां हमें कंप्लेंट मिली है डॉक्टर के खिलाफ। बोलिए। मैंने मेरे बेटे को 6 जून को सुबह 9 बजे जेके लॉन हॉस्पिटल में उल्टी दस्त के इलाज की वजह से लेके गई थी। वहाँ डॉक्टर ने उसको जबरदस्ती एडमिट कर दिया। उसके अलावा 2 दिन तक उसको उपोज चलते रहे, वो बिल्कुल सही हो गया। उसके उल्टी दस्त भी खत्म हो गए, उसको सारी जाँचें की गई, सारी जाँचें नॉर्मल आई। सिर्फ उसका थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम आया। उसके बाद मेरे बच्चे को रात शाम को 6 बजे 7 जून को शाम को 6 बजे उसको ब्लड चढ़ाया, जिसकी वजह से ये सांस नहीं ले पा रहा था। और सांस नहीं ले पा रहा था इसके ना क्या बोलते हैं वो उल्टी मतलब उल्टी जैसा मन होने लग गया, सांस नहीं ले पा रहा था, कांपने लगा। तो उस डॉक्टर ने पहले दूसरा डॉक्टर था उसने आकर बोला कि इसको खून नहीं चढ़ेगा, इसको ये खून सूट नहीं कर रहा, खून की पहले जाँच होगी उसके बाद इसको चढ़ेगा। फिर शिफ्टिंग चेंज होने के बाद दूसरा डॉक्टर आया, उसने मेरे हस्बैंड के साथ गाली गलौज करके जबरदस्ती मेरे बच्चे को ब्लड चाढ़ दिया। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम पूरा हॉस्पिटल बताने के लिए। हॉस्पिटल का नाम जेके लॉन हॉस्पिटल। और आप कहाँ रहते हो? अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर। आपका पूरा नाम? वंशिका गुरदासानी। मेरे बेटे को पूरी रात जबरदस्ती कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, खून लगा के चले गए। FIR दर्ज है पर पुलिस पूछ करने के लिए तैयार नहीं। अजमेर सिंधी युवा संघ आपसे ये अपील करता है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें और जल्द से जल्द इस वीडियो को जितना हो सके आगे पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो एक माँ की आवाज़ बन सकता है।